हेलो एवरीवन, गवार की सब्जी तो आप सभी ने खाई होगी, बट आज मैं एक ट्विस्ट के साथ लेकर आई हूँ गवार के कढ़ी की रेसिपी, जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चॉप की हुई 250 ग्राम के करीब गवार फली प्रेशर कुकर में डाल देंगे। 1/4 टेबलस्पून हल्दी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर देंगे। 1 छोटी ग्लास गवार डूब जाए उतना पानी ऐड कर देंगे। सभी को मिक्स दे देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 3 सीटी लगाकर गवार फली को बॉईल कर लेंगे। अब हम कढ़ी के घोल के लिए 1 पाव दही ले लेंगे। दही को अच्छे से फेंट लेंगे और स्मूथ कर लेंगे। अब हम 5 से 6 टेबलस्पून हाफ बाउल के करीब बेसन ऐड कर देंगे। सभी को अच्छे से विस्क कर लेंगे। ध्यान रहे कोई भी लम्स यानी कि गुठलियाँ ना रह जाए। 1 छोटी ग्लास ऊपर से पानी ऐड कर देंगे और अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम मसाले कर लेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर देंगे। सभी को अच्छे से विस्क कर लेंगे। थोड़ा सा जीरा हाथों में क्रश करके ऐड कर देंगे। मिक्स दे देंगे। हमारा कढ़ी का घोल रेडी है। कुकर ठंडा हो चुका है और हमारी गवार फली अच्छे से उबल चुकी है। इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में 3-4 टेबलस्पून तेल ऐड कर देंगे और गरम कर लेंगे। तेज पत्ता ऐड कर देंगे। 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून राई ऐड कर देंगे और क्रैकल हो जाने देंगे। 1 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून अजवाइन हाथों में क्रश करके ऐड कर देंगे। इसे गवार फली की सब्जी आराम से डाइजेस्ट हो जाती है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 कुटा हुआ हरी मिर्च ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। सभी को अच्छे से भून लेंगे। अब हम बॉईल किए हुए गवार फली ऐड कर देंगे। सभी को हाई फ्लेम पर थोड़ी देर भून लेंगे। दो टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। 1 बॉईल ला देंगे। ट्रस्ट मी, एक बार इस रेसिपी को आप जरूर से ट्राई दें। ये आपकी फेवरेट बन जाएगी, एज ये इतनी टेस्टी लगती है। कढ़ी में बॉईल आ चुका है। अब हम ढककर 3-4 मिनट कुक कर लेंगे। 3-4 मिनट बाद आप देख सकते हैं एक थिकनेस आ गई है कढ़ी में और ये बनकर रेडी है। अब हम फाइनल तड़का लगा लेते हैं कढ़ी में। तड़का पैन में 3 टेबलस्पून घी ले लेंगे। 2 टेबलस्पून तेल ऐड कर देंगे और गरम कर लेंगे। 1/2 टीस्पून राई ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे। क्रैकल हो जाए तब फ्लेम ऑफ कर देंगे। 2 खड़ा लाल मिर्च ऐड कर देंगे। करी पत्ता ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून हींग ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। मिक्स करके गवार फली के कढ़ी के ऊपर पोर कर देंगे। धनिया पत्ती से गार्निश करके गर्मा गर्म सर्व कर ले। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं
और इस रेसिपी को अपने डियर वंस के साथ ज़रूर से शेयर करें। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर से पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।